नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। जिस दिन का सभी को इंतजार था वो घड़ी आ गई है। आखिरकार आईपीएल का आगाज जो है वो 1 अप्रैल 2023 से हो जाएगा। वहीं अगर हम आईपीएल वुमेन्स की बात करें तो उसका आगाज भी, उसकी डेट भी सामने आ चुकी है। उसका आगाज 3 मार्च 2023 से होगा। आईपीएल का जो ऑक्शन है वो कल यानी 23 दिसंबर को कोची में होगा, जहां पर कई फ्रेंचाइजीज जो हैं वो अपने अपने टीम का सिलेक्शन करेंगी। कई बड़े प्लेयर्स पर भी बोली लगेगी। अगर हम आईपीएल की डेट्स की बात करें तो आईपीएल की डेट जो है वो सामने आ चुकी है। 1 अप्रैल 2023 से आईपीएल का आगाज़ हो जाएगा। वहां पर कई खिलाड़ी जो हैं वो खेलते नज़र आएंगे। जिस तरीके से 2022 की बात करें तो 10 टीमों का आगाज़ हुआ था, जहां पर 10 टीमें जो थी वो ग्राउंड पर उतरी थी, वहीं इस बार भी 10 टीमें आपको खेलते हुए नज़र आएंगी। जिस तरीके से ये आईपीएल का त्यौहार जो है वो हमारे देश में मनाया जाता है, उस तरीके से हर कोई ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर इसकी डेट क्या है। तो उसकी डेट जो है वो सामने आ चुकी है। 1 अप्रैल 2023 से आईपीएल का जो आगाज़ है वो हो जाएगा और बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं यहाँ पर खेलते हुए नज़र आएंगे। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के पर्स में सबसे ज़्यादा मनी है। वहीं अगर हम कई सारे प्लेयर्स जो हैं उनको रिलीज़ भी कर दिया गया है। अगर हम केन विलियमसन की बात करें, मयंक अग्रवाल की बात करें तो उन्हें टीमों ने रिलीज़ कर दिया है। वहीं पंजाब किंग्स की बात करें तो इस बार शिखर धवन कप्तानी करते हुए नज़र आएंगे। कई सारे प्लेयर्स जो हैं वो इस बार ऑक्शन में महंगे बिक सकते हैं। अगर हम क्रिस मॉरिस की बात करें तो क्रिस मॉरिस अब तक के इतिहास में सबसे महंगे प्लेयर साबित हुए हैं। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा था। इस बार कौन उनका रिकॉर्ड तोड़ेगा ये बड़ी बात है। और कई सारे प्लेयर्स जो हैं वो हमारे लिस्ट में हैं, जिसमें निकोलस पूरन है। वहीं अगर हम बेन स्टोक्स की बात करें तो बेन स्टोक्स को कई सारे फ्रेंचाइजीज हैं वो अपने खेमे में ला सकती हैं, तो उन पर बहुत बड़ी बोली लग सकती है। मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस में पुलार जो है वो उनकी कमी ज़्यादा खलेगी, तो उसके लिए मुंबई इंडियंस भी एक बड़ा दाव लगा सकती है, क्योंकि पुलार जो है वो ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए नज़र आए थे मुंबई इंडियंस के लिए। तो इस बार कौन होगा उनकी टीम में ये बड़ा सवाल है। और कल के ऑक्शन में ये देखा जाएगा कि किस पर सबसे ज़्यादा बोली लगेगी। अगर हम क्रिस मॉरिस की बात करें तो उनका रिकॉर्ड कौन प्लेयर तोड़ पाएगा, कौन सी फ्रेंचाइजी जो है वो किस टीम को सबसे ज़्यादा अमाउंट में खरीदती है, ये बड़ी बात है। और आईपीएल की डेट जो है वो सामने आ चुकी है। 1 अप्रैल 2023 से आईपीएल का आगाज़ हो जाएगा, बीसीसीआई के सूत्रों ने ये बताया है। वहीं अगर हम आईपीएल वुमेन की बात करें तो उसका आगाज़ भी हो गया है। वो 3 मार्च को वुमेन आईपीएल शुरू हो जाएगा, जहां पर 5 टीमें खेलते नज़र आएंगी। हर कोई ये जानने के लिए बेताब था कि आखिरकार आईपीएल की डेट क्या हो सकती है। तो आईपीएल की डेट जो है वो सामने आ चुकी है। 1 अप्रैल 2023 से आईपीएल का आगाज़ हो जाएगा। कई सारी टीमें यहां पर खेलते हुए नज़र आएंगी। आपकी फेवरेट टीम कौन है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।